और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो डियर चिल्ड्रन, कठपुतली के खेल तो आपने बहुत देखे होंगे, बट हैव यू एवर सीन अ पपेट दैट कैन वॉक एंड टॉक लाइक अ रियल बॉय? नहीं ना? Let us listen to the story Pinocchio. Long ago, there lived an old carpenter named Geppetto. Geppetto लकड़ी का यूज करके सुंदर और नई नई चीजें बनाते थे. One day, he made a wooden puppet. इस puppet के hands, legs, eyes, ears, nose सब बने तो वुड से थे, बट ये देखने में एक रियल बॉय जैसा लगता था। Geppetto did not have any children. Seeing this puppet, he thought, काश ये पपेट एक रियल बॉय होता तो मेरा भी एक बेटा होता। Just then, a fairy was passing by. She heard Geppetto's wish और उसने उस पपेट में लाइफ डाल दी। And the fairy said, if this puppet has to be a real boy, he has to be brave. He has to be a good boy. तभी Geppetto ने एक वॉइस सुनी, पापा पापा, आई एम हियर, कम टू मी, प्लीज कम टू मी। Geppetto ने घूम कर देखा और खुशी से उस बॉय को गले लगाते हुए कहा, गॉड हैज ग्रांटेड मी माई विश, ही हैज गिवन मी अ सन, आई विल कॉल यू Pinocchio। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा और तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगा। Pinocchio स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली विद हिज फादर। Days went by, लेकिन Geppetto के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे Pinocchio के लिए बुक्स खरीद सके। Geppetto strongly desired that his son Pinocchio could go to school like the other boys and girls. So, he sold his coat. उन पैसों से वे Pinocchio के लिए बुक्स खरीद लाए। द नेक्स्ट डे Pinocchio वेंट टू स्कूल विद द अदर बॉयज। ऑन द वे Pinocchio saw a puppet show. He wanted to watch the puppet show as he had never seen one, while the rest of the boys went to school. Children, आपको तो पता है ना, पपेट शो देखने के लिए टिकट्स लेनी होती है। बट Pinocchio डिड नॉट हैव एनी मनी। यू नो व्हाट ही डिड? ही सोल्ड हिज बुक्स एंड बॉट द टिकट्स। ही एंटर्ड द पपेट शो एक्साइटेडली। बट जैसे ही पपेट शो वाले की नजर Pinocchio पर पड़ी, उसने सोचा, वाओ, बिना स्ट्रिंग्स वाला एक चलता फिरता पपेट। उसने Pinocchio को तुरंत ही बाकी के पपेट्स के साथ खड़ा कर दिया। His show became a hit. उसका शो खूब चला। As soon as the show got over, पपेट शो वाले ने Pinocchio को बर्ड केज में कैद कर लिया। Pinocchio cried a lot. बट पपेट शो वाला उसे रोता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। Seeing Pinocchio cry, the fairy came to him and asked, Pinocchio, is that you, my boy? How did you get into this cage? तुम इस केज में कैसे पहुंच गए? Pinocchio replied quickly,
I was going to school and someone kidnapped me. ये क्या हुआ? जैसे ही पिनोकियो ने फेरी से झूठ बोला, उसकी नोज बड़ी हो गई. The fairy asked him, Oh, is it true? क्या तुम सच बोल रहे हो? पिनोकियो ने झट से कहा, Yes, yes. दो बदमाशों ने, नहीं नहीं, दो नहीं, चार. फेरी ने बीच में उसे रोककर कहा, Pinocchio, are you telling the truth? This time too, Pinocchio replied, Yes, yes. And no sooner did he say the next lie than his nose grew bigger. And he continued to lie. He said, Not only this, but they also took my books away. मेरे पापा जो books मेरे लिए लाए थे, उन लोगों ने वो भी ले ली. Pinocchio's nose grew bigger. And Pinocchio continued, और लाकर मुझे यहाँ इस केज में बंद कर दिया. Pinocchio झूठ पर झूठ बोल रहा था. उसकी नोज इतनी बिग हो गई थी कि उसे अपने फेस के सामने एक बिग बिग नोज के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, व्हाई इज माय नोज सो बिग? मेरी नोज को क्या हो रहा है? पापा, प्लीज हेल्प मी. अब फेरी ने कहा, पिनोकियो, यू मस्ट टेल द ट्रूथ नाउ. बहुत हुआ, अब तुम्हें सच बोलना चाहिए. Pinocchio understood what the fairy was trying to say. And as soon as Pinocchio said the first truth to the fairy that he had sold his books to buy the tickets, his nose grew a little smaller. और जैसे जैसे पिनोकियो ने आगे का सच बताया, वैसे वैसे उसकी नोज स्मॉल होती गई. Finally, his nose was back to normal. अब फेरी ने पिनोकियो को समझाते हुए कहा, पिनोकियो, how can you forget? Your father had to sell his coat so that he could buy books for you. और तुमने वही बुक सेल कर दी और अपनी गलती की वजह से तुम इस बर्ड केज में बंद हो गए. Your father must be worried. वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे. Pinocchio realized his mistake and said, You are right, dear fairy. I'm sorry for what I did, but I promise I'll be a good boy hereafter. And yes, I'll go home straight. Papa must be worried. घर पहुंचने पर पिनोकियो को नेबर से पता चलता है कि उसके पापा उसे ढूंढते हुए ओशन की तरफ गए हैं. Hurriedly, Pinocchio goes to the ocean, but he does not find his father anywhere. फिर किसी ने उसे बताया कि उसके फादर उसे ढूंढते हुए बोट में बैठकर ओशन में गए थे. And no one had seen him since then. Pinocchio gets worried and he immediately jumps into the ocean to look for his father. Don't worry children, Pinocchio पानी में डूबा नहीं, because Pinocchio was made of wood. और आप जानते हैं कि wood तो पानी में easily float करता है. Float करते हुए Pinocchio ocean में काफी आगे निकल जाता है. Just then, he sees a giant whale. Within no time, the whale swallows him. और जब पिनोकियो की आईज खुली, वह वेल के स्टमक के अंदर था. It was very dark there. जैसे तैसे पिनोकियो ने अपना होश संभाला और खड़ा हुआ. But what is this? यहाँ तो
पिनोकियो के पापा भी हैं। दे बोथ हग ईच अदर विद टीयर्स फिल्ड इन देयर आईज एंड टेल हाउ दे रीच देयर। पिनोकियो थिंक्स ऑफ अ प्लान टू गेट आउट ऑफ द व्हेल्स स्टमक। उसने पापा की हेल्प से व्हेल के स्टमक में आग जलाई। जैसे ही स्मोक उठा, द व्हेल स्नीज्ड हार्ड, अच्छी, एंड आउट केम पिनोकियो एंड आउट केम पापा। जान बचाते हुए तेजी से स्विम करते हुए दोनों शोर पर पहुंचे। द फेरी अपीयर्स अगेन एंड चिल्ड्रन, दिस टाइम इट वॉज फॉर द फाइनल टाइम, एंड टेल्स पिनोकियो दैट ही वॉज ब्रेव एज ही हैड सेव्ड हिज फादर। शी ऑल्सो टेल्स हिम दैट he would be a real boy forever as he was good and brave.